के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप प्राइवेट नौकरी से तौबा कर जाएंगे, क्योंकि ये नौकरियां न केवल सम्मान दिलाती हैं, बल्कि इनकी सैलरी हाईएस्ट पेड की श्रेणी में भी आती है। अगर आप भी हाईएस्ट पेड जॉब्स के इच्छुक हैं, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखने की जरूरत है। नंबर 10, रेलवे इंजीनियर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इंजीनियर से। 10+2 पास करते ही हमारे देश के अधिकतर किशोरों के सामने जब करियर चूज करने की बारी आती है, तो इंजीनियर या डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। कई परिवारों में तो इसकी मानो एक परंपरा ही चल रही होती है। इंजीनियर बनने के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे इंजीनियर सबसे खुशहाली वाला जॉब है, जिसकी वजह यह है कि हमारे देश में आज भी रेलवे इंजीनियर को किसी दूसरे सरकारी इंजीनियर से ज्यादा सैलरी मिलती है। इस जॉब में एक सरकारी इंजीनियर की सैलरी 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इतना ही नहीं, एक रेलवे इंजीनियर को रहने के लिए घर मिलता है, साथ ही उसके और उसके परिवार वालों के लिए ट्रैवल भत्ता समेत और भी कई सुविधाएं मिलती है। नंबर 9, इनकम टैक्स ऑफिसर। इस पोस्ट का नाम ही युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। देश भर के कमाने वाले लोगों की कमाई का हिसाब किताब लेने का अधिकार इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद मिल जाता है। इस जॉब में शानदार सैलरी मिलती है। इस जॉब में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेकर कमिश्नर तक बन सकते हैं। इसमें 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक सैलरी आराम से मिल जाती है। इसके अलावा सरकारी गाड़ी, पेट्रोल, नौकर चाकर जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। इसके लिए SSL, CGL या SSC का एग्जाम क्लियर करना होता है। नंबर 8, सरकारी डॉक्टर। डॉक्टर को तो धरती का भगवान कहा जाता है। जब हेल्थ खराब होने की वजह से जान आफत में आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर याद आते हैं। डॉक्टर की सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप MBBS की पढ़ाई करने के बाद कौन से हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। आज के समय में गांव के अंदर अपनी पोस्टिंग करवाने वाले डॉक्टर्स को सरकार 25-50% तक ज्यादा सैलरी देती है। एक गवर्नमेंट सर्जन डॉक्टर को इंडिया में तकरीबन 1-2 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी आसानी से मिल जाती है। वहीं एक सरकारी जूनियर डॉक्टर को 50,000 से 90,000 तक सैलरी मिल जाती है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद आप अगर नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिए महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। नंबर 7, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसा कि इस पद का नाम है, इस नौकरी को पाने के बाद आप सीधे विदेश मंत्रालय से ताल्लुक रखने लगते हैं। इस नौकरी को पाने के बाद आपकी इज्जत काफी बढ़ जाती है। इस नौकरी में पोस्टिंग हमेशा विदेशों में होती है। इस नौकरी में आपको 1,50,000 से 2 लाख रुपए तक सैलरी मिल जाती है। साथ ही जिस देश में पोस्टिंग होती है, वहाँ के हिसाब से एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस नौकरी को करने वालों को सरकारी घर और कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। SSLC का एग्जाम क्लियर करके आप इस नौकरी को पा सकते हैं। नंबर 6, वैज्ञानिक। किसी भी चीज का आविष्कार या इन्वेंशन वैज्ञानिक ही करता है। अगर ये ना होते तो ब्रह्मांड में हो रही छोटी से बड़ी गतिविधियों को शायद इंसान जान ही नहीं पाते। सुई से लेकर जहाज तक की खोज इन्हीं वैज्ञानिकों की वजह से संभव हो पाया है। इसके लिए आपको रिसर्च करने को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हैंडसम सैलरी भी मिलती है। इसमें बेसिक सैलरी 40,000 से 1 लाख तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ आपकी पोस्ट बढ़ने के साथ साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसमें आपको हर महीने 7,000 से 10,000 तक ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलता है, कैंटीन में फ्री खाना, रहने के लिए घर, और हर 6 महीने में आपको बोनस भी मिलता है। नंबर 5, बैंक की नौकरी। अपनी कमाई को संभाल कर रखने की बात हो, सैलरी की बात हो, किसी भी तरह के लोन की बात हो, या फिर पैसों से संबंधित कोई काम हो, सबको मैनेज करने के लिए एक ही सेक्टर है, वो है बैंकिंग सेक्टर। इसकी नौकरी काफी सम्मानित होती है। नोटबंदी के वक्त इसका एहसास शायद आपने भी किया होगा। बैंक में कई तरह की नौकरियां होती हैं, जिसमें क्लर्क और PO की डिमांड अधिक है। बैंकिंग सेक्टर में आसानी से प्रमोशन मिल जाती है। PO क्लियर करने के बाद यहाँ 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी मिलती है। अगर आपका पद बड़ा है, तो हर 2 साल में आप देश से बाहर सरकारी खर्चे पर घूमने जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कर्मचारियों को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस नौकरी में कई सारे भत्ते भी दिए जाते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर आप किताबों और ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं, फिर तो आपके लिए टीचिंग जॉब है। टीचिंग जॉब्स कई तरीके की होती है, पर यहाँ हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब बेस्ट मानी जाती है। एक प्रोफेसर की सैलरी अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है। अगर आप NIT या IIT कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी। इन कॉलेजेस में पढ़ाने पर आपकी सैलरी 70,000 से 1,60,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा एक प्रोफेसर को मेडिकल और मकान के भत्ते भी मिलते हैं। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स। क्या आपको पता है कि BHCL, IOC, ONGC, NHPC, NTPC जैसे विभाग, जिनकी सेवाएं आम जन अपनी रोजाना की जिंदगी में लेते हैं, सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स ही हैं। इसमें एंट्री करने के लिए आपका इंजीनियर होना अनिवार्य है। इसमें आप या तो GATE यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर करके जा सकते हैं, या फिर B यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग लेवल पर भी इसमें हर साल वैकेंसीज आते रहते हैं। इस नौकरी को पाने के बाद आप महीने का 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको खाने पीने और ट्रैवल करने के लिए कई तरह के भत्ते मिलते हैं, साथ ही कई सुविधाएं भी मिलती हैं जो आपके जीवन को आसान बना देती है। नंबर 2, डिफेंस सर्विसेज। देश की सेवा करने की चाहत है,
तो आपके लिए डिफेंस सर्विसेज के दरवाजे खुले हैं। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आते हैं। इनके तहत आने वाले सभी पद बहुत ही सम्मानजनक होते हैं। इस जॉब के लिए अलग अलग एग्जाम लिए जाते हैं और अलग अलग पदों की नियुक्तियाँ की जाती है। एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम्स इन्हीं में भर्ती कराने के लिए होते हैं। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आप सीधे ऑफिसर्स के रैंक पर ज्वाइन करते हैं, जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक हो सकती है। इस जॉब में प्रमोशन भी खूब मिलता है, साथ ही कई तरह के भत्तों के साथ तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। नंबर 1, इंडियन सिविल सर्विसेज। हमारी लिस्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज को नंबर 1 का स्थान दिया गया है, जिसकी वजह यह है कि इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा महत्व वाली नौकरी है। इसमें IAS, IPS, IFS, IRS और IES बनाए जाते हैं। इसमें नौकरी पाने के बाद आप देश को चलाने में सरकार की मदद करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि इन पदों पर बैठे लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं। इनकी मासिक सैलरी 56,000 से 2.25 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा इन सभी ऑफिसर्स को बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, ड्राइवर और बिजली जैसी कई सुविधाएं